गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम ऑडिबल टू ऑल? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल एवरीवन, मार्क योर अटेंडेंस। लेकिन जो लोग क्लास में हो बस वो लोग ही अटेंडेंस मार्क करना। मैंने चेक किया है कि लास्ट क्लास में और उसके प्रीवियस क्लास में भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया बट अटेंडेंस मार्क किया हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आज के क्लास से। So what we studied in last class? Last class में हमने क्या पढ़ा था? Error and figure adjustment. एरर एंड फिगर एडजस्टमेंट। तो एरर थ्योरी ऑफ एरर वी हैव कंप्लीटेड। सो टुडेज टॉपिक इज द टुडे स्टार्ट न्यू मॉडल दैट इज फोटोग्रामेट्री सर्वे या फिर एरियल सर्वे। फोटोग्रामेट्री सर्विंग। So what is photogrammetry survey? Either we can say aerial survey. What is photogrammetry survey? Anyone have idea? जो भी तुम लोग जानते हो बाय नेम क्या तुम इसको डिफाइन कर सकते हो? एनीवन प्लीज आंसर, व्हाट इज फोटोग्रामेट्री और एरियल सर्वे? मैम भाई मीन्स हम लोग कैमरा से जो लेते हैं लैंड का रिकॉर्ड उसी को हम बोलते हैं। हाँ मैम, जो कि कोई एरियल व्हीकल से लिया जाता है कैमरा के थ्रू। करेक्ट है मैम। जैसे कि एक सर्टेन हाइट से मैम, मतलब ड्रोन से, मतलब जिस एरिया का सर्वे करना है उस ड्रोन को उस एरिया को ऊपर ले जाके वहां से मतलब उस एरिया का पिक कलेक्ट करना है। करेक्ट। तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट, जो मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड इन फोटोग्रामेट्री सर्वे इज कैमरा, है ना, एरियल कैमराज। हम लोग कहाँ पे कैमरा को फिक्स करते हैं? कैमरा इज फिक्स्ड एट द सम हाइट फ्रॉम द लैंड। लैंड से कुछ हाइट पे कैमरा फिक्स होता है, आइदर बाय फिक्स्ड पॉइंट, आइदर बाय एयरक्राफ्ट, है ना, एयरक्राफ्ट या फिर एरोप्लेन के बेस्ट में एक कैमरा फिक्स किया रहता है। उसी से हम लोग क्या करते हैं, अपने लैंड का सर्वे करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेज। डिफरेंट पर्पसेज के लिए वी कैन यूज फोटोग्रामेट्री सर्वे। सो वेयर वी कैन यूज फोटोग्रामेट्री सर्वे का यूज कहाँ पे कर सकते हैं? ब्रॉड यूज ऑफ मिलिट्री पर्पस के लिए कर सकते हैं। मिलिट्री पर्पस के लिए कर सकते हैं। अदर्स पॉइंट any others where we can use photogrammetry survey in broad manners? मैम इसे मैप भी बनाते हैं ना? हाँ यस, बनाते हैं मैप भी। तो बेसिकली जो ब्रॉड लैंड है, मतलब जो लार्ज लैंड है, फॉर लार्ज लैंड, जस्ट फॉर एग्जांपल विलेज, विलेज सिटी टाउन, टाउन का
मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट ऑफ लार्ज लैंड, ठीक है। रिसेंटली फोटोग्रामेट्री का यूज बहुत ही लार्ज स्केल पे किया जा रहा है फॉर लैंड सर्वे, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वे डिपार्टमेंट के थ्रू, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वे डिपार्टमेंट, लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू ब्रॉड स्केल पे अभी फोटोग्रामेट्री सर्वे का यूज किया जा रहा है, जिसके बेसिस पे हर एक लैंड का फिर से सर्वे करके उसका डिजिटाइज मैप रेडी किया जा रहा है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आल्सो फाइंड डिजिटाइज्ड मैप। ओके, दिस इज द सम इंट्रोडक्शन अबाउट फोटोग्रामेट्री सर्वे। सो नाउ स्टार्ट द क्लास। ओके, आई शेयर स्क्रीन। ओके, दिस इज विजिबल टू एवरीवन, स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। यस मैम। ओके, तो फर्स्ट स्लाइड इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोग्रामेट्री। दिस इज द थियोरिटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल चैप्टर। हमें इसमें मोस्ट ऑफ पोर्शन थ्योरी है, बट कुछ टॉपिक्स के लिए जैसे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हमें पढ़ना है, तो उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमें बनाने हैं कैलकुलेशन पर्पज के लिए। फोटोग्रामेट्री सर्वे और एरियल सर्वे। सो वॉट इज फोटोग्रामेट्री सर्वे, हाउ वी डिफाइन फोटोग्रामेट्री सर्विंग और फोटोग्रामेट्री ऑल्सो फोटोग्रामेट्री एंड फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, ठीक है, इज द ब्रांच ऑफ सर्वे इन विच मैप आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फोटोग्राफ, है ना, मैप इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फोटोग्राफ एंड टेकन फ्रॉम ग्राउंड एयर स्टेशन। व्हाट मींस ग्राउंड एयर, ग्राउंड और एयर स्टेशन। एयर स्टेशन मींस एयर स्टेशन मतलब मैम जमीन के ऊपर से, स्काई से कुछ सम हाइट फ्रॉम लैंड, है ना, सम हाइट फ्रॉम ग्राउंड सरफेस, दीज आर द एयर स्टेशन। मींस सर्वे स्टेशन इज फिक्स्ड फ्रॉम विच पॉइंट वी कैन फिक्स द कैमरा, और विच द स्टेशन, जिस भी स्टेशन पे हम लोग एयर स्टेशन को फिक्स करेंगे वहां पे कुछ ऐसा सेट करेंगे ताकि वहां से हम लोग फोटोग्राफ कलेक्ट कर सके, है ना, क्लिक कर सके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट एडवांसमेंट ऑफ फोटोग्राफी टेक्निक्स। फोटोग्राफ्स आर ऑल्सो बींग यूज फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ जियोलॉजी and classification of soil and also crops, where we can also use map preparation is also done, but this is the very important photogrammetry survey is also used for geology, ठीक है, geology means types of rock present, types of earth surface present, topography present, ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, व्हाट टाइप ऑफ क्लास सॉइल आर प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर एरिया, एंड क्रॉप्स किस टाइप के क्रॉप्स वहां पे शोन है, उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन बाय फोटोग्रामेट्री सर्वे से इजिली कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द फोटोग्राफ स्पेशली फॉर रिकवरिंग द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ सर्फेस पॉइंट। With the help of photogrammetry survey, we can find exact location, exact position of surface points. ठीक,
दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग. सर्वेइंग का हमारा प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग. सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज द वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, बट सेकेंड पॉइंट इज either we can say what is the definition of survey, what is the definition of survey. So survey is defined as the locate point with respect to others point. ठीक है, तो here also by the help of photogrammetry or photogrammetric survey we can find exact position of surface point. ठीक है, used to recover the motion pathway of designated reference point located on any moving object on its component and it is immediately adjacent environment. So जो भी हमारा reference point located रहेगा और given रहेगा उसके basis पे हम लोग exact location calculate कर सकते हैं. साथ ही साथ different types of information we can find with the help of photogrammetry survey. Photogrammetry may employ high speed imaging and remote sensing in order to detect, measure and record complex 2D and 3D motion field. Photogrammetry कैसे work करता है? So high resolution का image हमें मिलता है और किसके help से? विद द रिमोट सेंसिंग. फोटोग्रामेट्री जहाँ भी यूज किया जाएगा वहां पे रिमोट सेंसिंग का प्रिंसिपल जरूर यूज किया जाएगा. ठीक है, रिमोट सेंसिंग का जरूर ही यूज होता है. बिना उसके हम लोग को एग्जैक्ट जो हमें सर्वे करना है, जो एग्जैक्ट हमें फाइंड करना है, वो हम लोग को नहीं मिल सकता है. ठीक है, तो फोटोग्रामेट्री साथ ही साथ रिमोट सेंसिंग दोनों ही कंबाइंडली हम लोग यूज करते हैं. रिमोट सेंसिंग हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, देखेंगे क्या यूज है. So, जो हमें हमारे पास जो रिकॉर्ड मिलते हैं फोटोग्राफ के, दैट इज इन 2D और एज वेल एज 3D. 2D और 3D दोनों में ही हमें फोटोग्राफ मिलते हैं. सिमिलर सम फोटोग्राफ इज गिवन हियर. दिस इज अ जनरल व्यू ऑफ फोटो कैचिटी. This is the aerial station, है ना, above the ground. This is the aerial station. Aerial station is fixed at this point. Aircraft is here and camera is fixed at the base of the. Okay. This is the land and. The picture is final picture is this one, a general view of photograph by RC used here, RC camera. Okay, next photograph is this one by different camera in graph by analog. अगर तुम लोगों ने GPS से देखा होगा location, so कुछ इस तरह का ही image दिखता है. This is not very clear. But try to understand. So GPS में यूज किए जाते हैं उसमें एनालॉग फोटोग्राफ एंड दिस इज द ऑनबोर्ड आरसी कैमरा इनसाइड एयरक्राफ्ट. दिस इज द कैमरा है ना, कैमरा समथिंग डिफरेंट जनरल कैमरा. ठीक है, these are the some photograph. Clear hai sabko? Diagram clear hai sabko? Sabko nahi honge? Yes. Aerial photograph by RC camera. RC camera inside aircraft. Kis type ke RC cameras hote hain? And these normal diagram hai, that is general view of photo. ग्राफिंग बाय आरसी कैमरा. सो जिस टाइप के फोटोग्राफ मिलते हैं दैट इज गिवन. दिस इज द मोर फोटोग्राफ. ये दिख रहा है. वी कैन आल्सो सी एटीएस जीपीएस ऑन करने पे जो किसी लैंड का अगर लोकेशन हम लोग चेक करते हैं
मैप देखते हैं, दिस इज सीन सिमिलर. सो किसी भी एक लैंड का यहाँ पे दिखाया गया किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बाय आरसी कैमरा. आरसी कैमरा के थ्रू ये फोटोग्राफ दिखाया गया है. ठीक है, ओके. दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो डाउनवर्ड जो फोटो है इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं डिफरेंट एरियल स्टेशन यहाँ पे मेजरमेंट कुछ फोटोग्राफ लिए गए हैं, है ना. तो इस तरह का जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो ओके. तो नेक्स्ट स्लाइड इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोग्रामेट्री. सो फोटो हाउ वी डिफाइन फोटोग्रामेट्री. फोटोग्रामेट्री इज द पार्टिकल ऑफ डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोटोग्राफिक इमेज. Photogrammetry is the practice of determining of geometric properties of object from photographic image. Photogrammetry में हम लोग क्या करते हैं, by photograph we can determine geometric properties of object or we can say topography of land. Okay, is the making of precise measurement from the photograph, the making of maps from the photograph is basically from aerial surveying. So jo hame result milta hai that is precise, hai na, with the help of photograph jo bhi hame result milta hai that is in precise, that is accurate, and also map is making with this photograph. हम लोग मैप का क्या करते हैं, मैप हमें मैप नहीं मिलता है बट विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ वी कैन ड्रॉ मैप. ओके, सो द साइंस ऑफ यूजिंग एरियल फोटोग्राफी एंड अदर रिमोट सेंसिंग इमेजेस टू ऑब्टेन मेजरमेंट ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स ऑन द अर्थ. तो यूजिंग कहाँ पे है फोटोग्राफ का, तो साइंस ऑफ यूजिंग एरियल फोटोग्राफी एंड अदर रिमोट सेंसिंग इमेजरी टू ऑब्टेन मेजरमेंट ऑफ नेचुरल एंड एज वेल एज मैनमेड फीचर ऑन द अर्थ. इन दिस मेथड ऑब्जेक्ट आर मेजर्ड विदाउट बीइंग टच्ड. हमने क्या किया है, वी यूज अ एरियल स्टेशन, वी फिक्स्ड अ एरियल स्टेशन, यूज अ फोटोग्राफ विच इज फिक्स्ड ऑन द एयरक्राफ्ट. हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को टच नहीं किया. विदाउट टच एनी ऑब्जेक्ट वी कैन फाइंड द फोटोग्राफ, वी कैन फाइंड द मैप ऑफ द ऑब्जेक्ट और मैप ऑफ द लैंड. ठीक है, तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज ऑब्जेक्ट आर मेजर्ड विदाउट बीइंग टच. विदाउट टच किए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड फोटोग्राफ. So process of the simple definition of photogrammetry. Okay, how can we define photogrammetry service the map using photograph, and photograph is taken by camera which is fixed at aerial station, hai na, aerial station or ground. So the science of deducing the physical dimension of object from measurement on image usually photograph of the object. Science of photogrammetry kya hai, that is the that gives physical dimension of object, hai na. One building, either land, ठीक है, तो कुछ भी होते हम लोग आपकी आवाज
Now voice is clear. I'm audible to everyone. Yes, ma'am. Okay. So, how we define photogrammetry survey? So, the process of making survey and map using photograph, that is photogrammetry survey. Okay, it is the process of making survey and map using photograph. With the help of photograph, we can find map and as well as measurement of object. And this process is called photogrammetry survey. So a series of techniques for measuring position and altitude from aerial photograph or images. Different techniques and different methods we can use for measuring position as well as altitude from the aerial photographs or images. Photogrammetry may be different methods and different techniques है, means क्या हम लोग different cameras use कर सकते हैं. जैसे हमने अगर if we fix camera at ground and also we can fix camera at aerial station, है ना. तो and जो हमारा purpose है उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, different techniques we can use. So photogrammetry is the art, science and technology of obtaining reliable information about physical objects and the environment through process the recording, measuring and interpreting photographic images. Photogrammetry also we can define art, science and technology of obtaining reliable information. Okay, reliable information means which information be. आवाज अभी सबको क्लियर है, थोड़ा डिस्टर्बेंस है और कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं पास में. आवाज सबको क्लियर है ना अभी? स्क्रीन शेयर नहीं किया. Yes or no? स्क्रीन शेयर नहीं किया. मैं जो बोल रही हूँ वो क्लियर है ना? ठीक है, ओके, स्क्रीन शेयर मैं कर दूंगी. आवाज तो क्लियर है ना? यस मैम. ओके, सो बाय डिफरेंट वे वी कैन डिफाइन फोटोग्रामेट्री सर्वे, बट पर्पस इज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ, है ना, विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ. फोटोग्राफ कहाँ पे फिक्स होता है ये सबको क्लियर है. सो ओके, नाउ शेयर द स्क्रीन. सो ब्रोमेट्री रिक्वायर, वेयर फोटोग्रामेट्री इज ब्रॉडली रिक्वायर by planning and taking the photographs, processing the photographs and measuring the photographs and reducing the measurement to produce end result. These are the method of photogrammetry, hai na. First is the planning and taking photograph, hai na. Just as simple plane surveying. प्लेन सर्वेइंग का फर्स्ट स्टेप क्या था, दैट इज रिकॉग्निशंस सर्वे. सो व्हाट वी डन इन रिकॉग्निशंस सर्वे, रिकॉग्निशंस सर्वे में हम लोग क्या करते थे, प्लीज आंसर. ये सब तुम लोग को कितने बार वाइवा का भी क्वेश्चन था, व्हाट इज रिकॉग्निशंस सर्वे. मैम फर्स्ट सर्वे होता है जिसमें हम लोग अल्टरनेट रूट कुछ शेयर. व्हाट अल्टरनेट मैम,
चूज करते हैं, जैसे दो तीन ले लेते हैं उसमें से जो बेटर होगा, ये फर्स्ट होता है जिसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज कम करते हैं। मींस बेसिकली वी कैन से हम लोग लैंड पे जाते हैं, जो एरिया हमारा गिवन है उस लैंड का क्या करते हैं, रिकॉनेंस करते हैं, मींस चेक करते हैं वेयर वी कैन यूज सर्वे, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी कैन यूज, विच टाइप ऑफ मेथड वी कैन यूज, है ना। दैट मींस प्लानिंग करते हैं, है ना, दैट मींस प्लानिंग ऑफ सर्वे। सो हियर आल्सो बिफोर द फोटोग्रामेट्री वी हैव टू डू प्लानिंग। फर्स्ट इज द प्लानिंग दैट इज सिमिलर एज रिकॉनेंस एंड टेकिंग द फोटोग्राफ्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट जो मेथड, नेक्स्ट जो स्टेप होगा दैट इज द टेकिंग द फोटोग्राफ। ओके, देन प्रोसेसिंग द फोटोग्राफ। विच टाइप्स ऑफ फोटोग्राफ हमने कैमरा से, हमें जो मिला आरसी कैमरा और अदर्स कैमरा, उस फोटोग्राफ का प्रोसेसिंग करते हैं बाय डिफरेंट मेथड। आफ्टर प्रोसेसिंग वी कैन फाइंड, वी कैन कैलकुलेट मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंड डायमेंशन ऑफ actual land. So third step is the measuring the photograph and reducing the measurement to produce in result. Photograph ka measurement karte hain, that is after processing, hai na, after processing we can measure the photograph, means fix the some scale, fix the some scale in photogrammetry a scale is represent relief displacement, hai na. So fix the scale, measuring the photograph and reducing the measurement to produce in result. जो भी हमारा in result जो हमें चाहिए वो हम लोग produce कर सकते हैं। So field application of photogrammetry. What is the field application? So different uses of photogrammetry is given here. First is the use to conduct topographical survey or engineering survey. Where can we use photogrammetry survey? So for topographical survey as well or engineering survey के लिए use कर सकते हैं। Next use is the suitable for mountainous and hilly terrain with little vegetation. Okay, also used geological mapping which include identification of land form, rock type and rock structure. Means जो third point is given here is about geology, है ना, about geology. So we can find geology of land. Next used is the project demanding higher accuracy since it provide accurate measurement. As we define photogrammetry, so by photogrammetry survey we can find accurate or precise result. So for एक्यूरेट रिजल्ट, हमें जो एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है इस वजह से वी कैन यूज प्रोजेक्ट डिमांड, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वी कैन यूज फोटोग्रामेट्री, ठीक है। एंड ऑल्सो यूज अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग एप्लीकेशन वेयर वी कैन प्लान फॉर अ सिटी डेवलपमेंट। सो इन दैट केस वी कैन ऑल्सो यूज फोटोग्रामेट्री सर्वे। ओके, next used is the mostly in planning, designing, in transport planning, bridge, pipeline, hydropower, urban planning and strategic planning, also disaster management, natural sources and natural sources management, city models, okay, conservation of archaeology site. These are the very important points where we can use photogrammetry survey, है ना? अभी तक हमने जितने भी सर्वे में मेथड्स पढ़े दैट कैन बी यूज ओनली फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड, मेजरमेंट आइदर एलिवेशन, आइदर बिल्डिंग एलिवेटेड एंगल, है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बट फॉर द अर्बन प्लानिंग, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, आर्कियोलॉजी साइट, दीज आर द डिफरेंट वे वी कैन यूज इस हर एक वर्क में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फोटोग्रामेट्री। सो हेयर डिफरेंट यूजेस ऑफ डिफरेंट फील्ड एप्लीकेशन ऑफ फोटोग्रामेट्री। क्लियर है सबको?
सबको क्लियर है एप्लीकेशन ऑफ फोटोग्रामेट्री एंड प्रोसेस ऑफ फोटोग्रामेट्री. सो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट फोटोग्रामेट्री इज इट्स एप्लीकेशन इंक्लूड सैटेलाइट ट्रैकिंग ऑफ द रिलेटिव पोजिशनिंग alteration in all earth environment, example tectonic motion, etc. अभी हमने previous slide में देखा different application, field application. इसके अलावे भी कुछ और important application है where we can use photogrammetry. That important application is photogrammetry is also used for satellite tracking. Okay? सेटेलाइट ट्रैकिंग ऑफ रिलेटिव पोजिशनिंग. सेटेलाइट ट्रैकिंग के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज वेल एज इन अर्थ इन्वायरमेंट. जैसे अर्थ का टेक्टोनिक मोशन हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, ये सब भी हम लोग किसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फोटोग्रामेट्री सर्वे के बेसिस पे कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज द क्वांटिटेटिव रिजल्ट ऑफ फोटोग्रामेट्री आर यूज्ड टू गाइड एंड मैच द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल ऑफ द नेचुरल सिस्टम दस हेल्पिंग टू इनवैलिडेट और कंफर्म न्यू थ्योरीज टू डिजाइन नोवेल व्हीकल और न्यू मेथड फॉर प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द कंसीक्वेंसेस ऑफ अर्थक्वेक tsunamis and any weather types. So here the vast area used of points is we survey से जो हमें results मिलता है उसका use कर सकते हैं, है ना. मतलब क्या है कि फोटोग्रामेट्री सर्वे से हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड अबाउट अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन, सुनामी इंफॉर्मेशन, एनी डिजास्टर इंफॉर्मेशन, एज वेल एज सम थ्योरी कैन बी वैलिडेट, है ना. सम न्यू थ्योरी कैन बी वैलिडेट. फोटोग्रामेट्री It also help for solving of triangulation, trilateration and multi-dimensional scaling. So multi-dimensional scaling हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, but triangulation and trilateration हम लोग already पढ़ चुके हैं. So for the solve हम लोग ट्रायंगुलेशन एंड ट्राइलैटरेशनल में भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फोटोग्रामेट्री सर्वे वी कैन यूज. सो इन द सिंपलेस्ट एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट लाइज ऑन द प्लेन पैरेलल टू द फोटोग्राफिक इमेज कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग देयर डिस्टेंस ऑन इमेज इफ अ स्केल ऑफ इमेज इज नोन. सो हाउ कैन बी मेजर डायमेंशन ऑफ given object. So photograph में हमें क्या मिलेगा, एक image मिलेगा. Photogrammetry के through हमें एक image मिलेगा, उस image का कुछ scales होंगे, ठीक है. उस scale के basis पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी मेरा object present है, exist कर रहा है, उस object का dimension calculate कर सकते हैं. Also used in different fields such as topographic mapping, architecture, engineering, manufacturing, quality control, police investigation. है ना, police investigation में क्या photogrammetry की वजह से GPS का जो use होता है उसमें photogrammetry का भी use है. So उसपे भी हम लोग क्या करते हैं, उसकी वजह से हमें क्या benefit मिल रहा है for police investigation, है ना. And also geology as well as by archaeologists to